Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. Hopefully आप लोग अपने घरों में सब खैरियत से होंगे. आज आप लोगों के सामने एक पुराने टॉपिक के साथ नया बिल्कुल भी नहीं है. कहीं आप सोचे कि आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी आज नया टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ. मैं आज पुराने टॉपिक के साथ ही आई हूँ. आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है वाइटनिंग ब्लीच की, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि सुबिया उस वीडियो के अंदर आपने जो क्वांटिटी ऐड की है वो हम उसके अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो वीडियो में कट गई हैं. यानी कि जो बाउल में मैंने क्वांटिटी डाली है वो उसमें, यानी कि पिक्चर में मुझे लग रहा है कि वीडियो डालते वक्त वो उसकी, यानी कि बाउल जो है वो कट गया है, जिसकी वजह से लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि कितना मैंने मैक्सिमम उसके अंदर क्वांटिटी डाली है. तो टुडे आई विल शो यू अगेन कि हाउ टू मेक अ ब्लीच एट होम. सो स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी फ्रेंड्स, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ब्लीच बनाने के लिए. हमें एक बाउल की ज़रूरत है और एक ब्रश, जिसे हम फेस पे ब्लीच अप्लाई करेंगे. और ये हमारी ब्लीच क्रीम है 20 वॉल्यूम. अगर ब्लीच क्रीम अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन यूज़ 20 वॉल्यूम ऑल्सो. यू कैन गेट ईजीली और एनी फार्मेसी पे, तो नहीं है फार्मेसी पे मिल जाएगा. उसके अलावा कॉस्मेटिक शॉप से भी आपको ये ईजीली मिल जाएगा. 6 वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम 20 है 6%. ठीक है, इसको ऑक्सी क्रीम भी कहते हैं. उसके बाद हमें ज़रूरत है संदल पाउडर की. ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास संदल पाउडर हो, अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप. मैं यूज़ करती हूँ ब्लीच बनाने में संदल पाउडर से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास संदल पाउडर नहीं है तो यू कैन स्किप. मैंने इस जार के अंदर डाला है कि आप समझे कि बायो ऑयल के डब्बे में मैंने संदल पाउडर डाला हुआ है. तो संदल पाउडर सही तरीका है, वो बॉक्स पैकेट में होता है, तो उसको सेव करने के लिए मैंने इस जार में डाल दिया है. ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत है शाइनर और बूस्टर की. ये पाकिस्तान से आपको ईजीली मिल जाएगा. शाइनर इंडिया में भी मेरे ख्याल में अवेलेबल है. और ये बूस्टर है, ये यानी कि बूस्टर जो है आपकी स्किन की डर्ट को रिमूव करता है और स्किन को बहुत अच्छा, यानी कि अच्छी लुक देता है, यानी कि क्लीन कर देता है ब्लीच को ब्लीच करने से. और ये शाइनर है, इससे आपके फेस पे शाइन आती है काफ़ी ज़्यादा और आपकी स्किन यानी ब्लीच करने के बाद ही थोड़ी फ्लॉलेस सी हो जाती है, खाली अगर आप ब्लीच भी करते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारा ये हाइड्रोजन पाउडर, यानी कि ब्लीच पाउडर आपको ईजीली मिल जाएगा. यानी ब्लीच क्रीम के साथ जो पाउडर होता है ये वही है. इसकी हम क्वान्टिटी ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मैक्सिमम आपने क्वान्टिटी ऐड करनी है ब्लीच पाउडर. एंड लास्ट थिंग इज़ विटामिन ई का कैप्सूल. विटामिन ई का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है. मैं हर ब्लीच में अपनी यानी वन टाइम की फेस की ब्लीच में ये लाजमी ऐड करती हूँ. इससे आपके यानी कि फाइन लाइन्स ख़त्म होती हैं. विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करने से फाइन लाइन्स ख़त्म होती हैं, आपके डार्क सर्कल्स कम होते हैं. तो विटामिन ई का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है फॉर फेस. इवन आप अपने रात को सोते वक्त भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. चलिए अब इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 20 वॉल्यूम. आपने एटलीस्ट हाफ टी स्पून 20 वॉल्यूम लेना है. फॉर वन फेस के लिए आपका हाफ टी स्पून इज़ इनफ, बहुत है, क्योंकि ये बहुत अच्छी ब्लीच होती है. यानी कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसे काफ़ी अच्छी, यानी सब चीज़ें ऐड होने के बाद इसकी क्वांटिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है. इसमें शाइनर के आपने 4 to 5 ड्रॉप्स डालने हैं. ठीक है, ये शाइनर के 4 to 5 ड्रॉप्स डाल दिए मैंने. और इतनी ही क्वांटिटी आपने बूस्टर की डालनी है, यानी 4 to 5 ड्रॉप ऑफ बूस्टर, 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ शाइनर. तो इतनी ही क्वांटिटी आपने इसकी भी डालनी है. ये देखिए, ये मैंने येलो कलर का जो है ये बूस्टर मैंने इसमें ऐड कर दिया है. ठीक है, शाइनर हो गया, बूस्टर हो गया, ब्लीच क्रीम हो गई. अब हमारे पास आ जाता है ये संदल पाउडर. संदल पाउडर यानी कि इसमें मैं कितना पिंच ऑफ, जैसे पिंच आपने थोड़ा सा, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं, यानी कि थोड़ी सी ही ज़रूरत होती है, यानी चुटकी आप डाल सकते हैं. और विटामिन ई का कैप्सूल मैं ऐड करूँगी. विटामिन ई का कैप्सूल ऊपर से कट किया जाता है, इजीली ये कट हो जाता है. ये इस तरीके से इसका जो टॉप पार्ट होता है ये वाला, इसको हम कट कर देते हैं इस तरह से करके. और इसका ऑयल जो है हम इसके अंदर ये इस तरीके से ये डाल देते हैं. ठीक है जी, ये विटामिन ई का कैप्सूल मैंने ऐड कर दिया.
अब हमारी लास्ट थिंग रह जाती है जो बड़ी डेंजरस चीज़ है, हमारा ब्लीच पाउडर। ब्लीच पाउडर आपने बहुत बी केयरफुल होकर डालना पड़ता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको यानी कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट डालेंगे, मतलब कि क्वार्टर से भी कम आप ब्लीच पाउडर ऐड करेंगे। इसका स्पून एक मिनट में देखती हूँ। ये देखें, इसमें मैं तकरीबन वन फेस के लिए ये इतना सा ब्लीच पाउडर, यानी कि फॉर वन फेस के लिए मैं इतना ब्लीच पाउडर मैं आपको इसमें भी डाल के दिखा दूँ। ये देखें, ये इतना सा, यानी कि कितना कह लें, क्वार्टर से भी कम कह लें, आपने इतना सा ये ब्लीच पाउडर फेस के लिए डालना है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और अगर तो आपकी स्किन रैश हो जाती है तो आप इसकी थोड़ी सी बस हाइड्रोजन की, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये ब्लीच आपकी सारी मिक्स हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़रा एक अच्छी बन जाती है और ये फूल भी जाती है काफ़ी। तो अब हम इसको फेस पे अप्लाई कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये दो सेकंड के अंदर, दो बल्कि वन एक मिनट के अंदर इसकी क्वांटिटी जो है वो फूल के डबल हो जाएगी। अब हम इसको फेस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब हमारी ये देखें ब्लीच क्रीम हमारी रेडी है। अब हम इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे विद ब्रश। आपने ब्लीच जो जितनी बनाई है वो आपने नेक पे भी मस्ट अप्लाई करनी है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए हम लोग इस ब्लीच को अपने फेस पे रहने देंगे। इसे लगाते साथ एकदम आपके फेस पे ना जैसे इचिंग होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है जगह जगह ना टिकलिंग सी हो रही है। तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, ये ब्लीच में होता है, क्योंकि जब आपके हेयर्स ब्लॉन्ड हो रहे होते हैं तो आपको टिकलिंग सी फील होती है। तो उसको 10 मिनट के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। एटलीस्ट 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स तक आप खामोशी से बैठ जाइए, नो टॉक। तो चलिए 10 मिनट, ठीक है। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये देखें 10 मिनट्स हो गए हैं और मेरी ब्लीच ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है। अब मैं इसको स्पंज के थ्रू अपने फेस से रिमूव कर दूँ। गीला स्पंज, आपको कोई भी गीले स्पंजेस हो आप उससे अपने फेस से ब्लीच रिमूव करें। हल्की सी अगर रेडनेस आ जाती है आपको, क्योंकि समटाइम ब्लीच के बाद ना स्किन हल्की सी रेड हो जाती है, तो अगर तो आपकी स्किन हल्की सी रेड हो जाती है तो इट्स ओके, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि ब्लीच के बाद हल्की सी स्किन रेड हो जाती है। तो अगर आपकी हो जाती है तो आपने सिंपल उसको आइसिंग करनी है। आइसिंग अगर तो ज़्यादा रेड हो जाए, वैसे तो वो आधे घंटे के अंदर नॉर्मल अपनी हो जाती है। देखिए मैंने ब्लीच अपने फेस से सारी रिमूव कर दी है और मेरी स्किन देखें काफ़ी अच्छी हो गई है और काफ़ी फ्रेश हो गई है। आई फील वेरी फ्रेश। ठीक है जी, ये था सिंपल ब्लीच करने का तरीका, होममेड ब्लीच, यानी कि किस तरीके से आपने बनानी है। ये देखिए फेस पे ये मेरे दो तीन दाने हो गए थे, तो ये मेरी सारी स्किन फ्रेश हो गई, स्किन पर कितनी अच्छी शाइन आई है। तो गर्ल्स, ये था सिंपल ब्लीच करने का तरीका, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। और जिस किसी को वो वाली वीडियो मेरी ब्लीच की समझ नहीं आई थी, वो इस वाली वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से ब्लीच की क्वांटिटी और सारी चीज़ें ऐड करनी है। चलिए जी, आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आती हूँ। अब मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगी, अभी पुराने टॉपिक के साथ नहीं आऊँगी। चलिए, मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं बहुत ख्याल रखिए।